ई पर्ची प्राप्त करने के लिए प्रवेश गेट पर किसानों की लगी भीड़। कड़कड़ाती ठंड में घंटों करना पड़ा इंतजार, यह कैसी व्यवस्था, देश का अन्नदाता परेशान। नगर की कृषि उपज मंडी प्रदेश भर में एक क्लास की मंडी के नाम से मशहूर है, लेकिन मंडी प्रशासन की लापरवाही एवं वर्षों से पदस्थ कर्मचारियों की मनमानियों के कारण तेजी से बदनाम भी होती जा रही है। कृषि उपज मंडी में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होना अब आम बात हो गई है। हमेशा चर्चित रहने वाली यह कृषि उपज मंडी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक बार फिर किसान परेशान हुए। कुछ दिन पहले की कृषि मूल्य एवं लागत आयोग के दल ने आष्टा मंडी का निरीक्षण किया था और बताया था कि ई कृषि उपज मंडी में कोई समस्या नहीं है, इससे किसानों को ऊंचे भाव एवं भरपूर सुविधाएं मिलेगी, लेकिन कुछ दिन बाद ही यह दावा हकीकत से कोसों दूर होता नजर आया। छुट्टी के बाद जैसे ही कृषि उपज मंडी खुली, क्षेत्र के सैकड़ों किसान सुबह मंडी पहुंचे। ई पर्ची काउंटर पर सैकड़ों किसानों की लाइन लग गई। वहीं किसान अपनी उपज भी बेचने के लिए ई पर्ची काउंटर पर सुबह से ही कड़कड़ाती ठंड में लाइन में लगे रहे। सैकड़ों किसानों की भीड़ के बावजूद भी एक ही काउंटर पर ई पर्ची दी जा रही थी, जिससे दिन भर गेट पर भीड़ लगी रही। भारतीय न्यूज के लिए आष्टा से मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। भारत में किसानों को अन्नदाता का दर्जा दिया गया है, लेकिन मंडी की कुछ अव्यवस्थाओं के कारण किसानों को परेशान होना पड़ता है। मोहम्मद सादिक, भारतीय न्यूज, आष्टा। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।